चलो नेक्स्ट थ्योरम नंबर थर्ड लेते हैं। थर्ड थ्योरम क्या दिया हुआ है, 0 टू 2 ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ 2 ए माइनस एक्स। अब यहाँ पे भी प्रूफ करना है, फिर से वही स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, ठीक है। चलो तो राइट हैंड साइड लेते हैं, कितना मेरे पास, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 टू योर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू नहीं कितना 0 टू 0 टू ए एफ ऑफ 2 ए माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो राइट हैंड साइड में दो इंटीग्रेशन और लेफ्ट हैंड साइड में एक ही इंटीग्रेशन है, मतलब ये दोनों इंटीग्रेशन कंबाइन करेंगे और सिंगल इंटीग्रेशन बनाएंगे। अब दोनों इंटीग्रेशन कंबाइन करेंगे तो कंबाइन होने के लिए यहाँ एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे एफ ऑफ 2 ए माइनस एक्स है, अगर ये भी एफ ऑफ एक्स बन जाए तो दोनों को सिंगल इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। तो हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा, इसको एफ ऑफ एक्स बनाए, तो एफ ऑफ एक्स ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें पुट कर देते हैं, तो लिखो यहाँ पे पुट इन सेकेंड इंटीग्रेशन, ये लिख देना यहाँ पे, ठीक है, पुट इन सेकेंड इंटीग्रेशन ट्वाइस ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू टी, ये कंपल्सरी मेंशन करना कि हम सेकेंड इंटीग्रेशन में सबट्रैक्शन कर रहे हैं। तो इसको पुट किया तो ये माइनस एक्स इक्वल टू डी टी दिख रहा है, लास्ट थ्योरम जैसे ही चल रहा है, डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया ये माइनस डी टी, लिमिट भी चेंज कर लेते हैं इसका, क्या आएगा लिमिट देखो, ठीक है, मेरे पास x और t, x का लिमिट कितना 0 और a, अगर मैंने यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट किया तो कितना होगा ये 2a बन जाएगा, और a पुट किया यहाँ पे इसमें तो कितना होगा यहाँ पे 2a में से a गया कितना a आएगा, देख रहा ये वाला लिमिट कहाँ से है, ये लिमिट है इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर सब्स्टिट्यूट करोगे 0 पुट किया तो 2a में से 0 गया कितना 2a आएगा, a पुट किया तो कितना 2a में से a गया कितना आएगा a बचेगा, तो नया लिमिट कितना होगा 2a से a आ गया, ठीक है। फर्स्ट इंटीग्रेशन को हाथ नहीं लगाएगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन वाले कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लिखा है, हमने क्या मेंशन किया कि पुट इन सेकेंड इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ये 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स एज इट इज प्लस यहां पे क्या लिखता हूं मैं, इज अ 0 टू नहीं, अब कितना हो गया, इट इज अ ट्वाइस ऑफ a, क्या आएगा इंटीग्रेशन ट्वाइस ऑफ a टू a एफ ऑफ t और यहां माइनस डी टी, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फर्स्ट वाला ऐसे कैरी ऑन करते रहो, कितना ये 0 टू a एफ ऑफ x डी एक्स, यहां माइनस साइन बाहर, इंटीग्रेशन 2a टू a एफ ऑफ t डी टी, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ x डी एक्स एज इट इज, माइनस को गायब करे और इसका लिमिट रिवर्स कर ले, तो ये हो जाएगा क्या a से लेके 2a एफ ऑफ t dt, ठीक है। अब ये t वाले टर्म को x लिख सकते हैं, तो लिख दो यहाँ पे सर ये x हो गया 0 टू a एफ ऑफ x dx प्लस ये कितना होगा a टू 2a एफ ऑफ x dx, क्या लिखना है ये सब लिखना सर, ये हमने कहाँ से किया, बाय थ्योरम्स, ठीक है, ये भी क्या किया हमने, बाय थ्योरम्स, बाय थ्योरम हमने क्या किया, लिमिट चेंज किया, सॉरी माइनस साइन रिमूव किया और लिमिट चेंज कर लिया, बाय थ्योरम हमने t वाले टर्म को क्या लिखा, x में लिख लिया। अब ध्यान से देखो कैसे लिखा हुआ है, ये 0 टू a और a टू 2a लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है ये 0 टू a देन ये क्या लिखा हुआ a टू 2a, तो मैं इसको सिंगल इंटीग्रेशन लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 0 से लेके 2a एफ ऑफ x dx, ये भी बोल सकते हो, ये क्या है, बाय थ्योरम भी है, कौन सा आ गया ना लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारा क्या हो गया, इट इज अ लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूफ, कुछ नहीं किया हमने, राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड में दो इंटीग्रेशन थे, दोनों को कंबाइन करना था, बट प्रॉब्लम क्या आ रहा था, यहाँ एक्स है और यहाँ पे 2a माइनस एक्स, तो मैंने बोला कि 2a माइनस एक्स को टी पुट कर देता, पुट किया लिमिट वगैरह चेंज करके सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट करके टी में आ गया, अगर मॉडिफिकेशन पता है माइनस साइन रिमूव करना है, लिमिट चेंज करना है, ठीक है, टी के टर्म को एक्स में लिखना है। अब इसमें क्या हो रहा है, दोनों कंबाइन कैसे करें, ये दिख रहा है 0 टू a और ये a टू 2a, इनडायरेक्टली ओवरऑल लिमिट क्या होगा, 0 टू 2a लिमिट हो गया, मैं 0 टू 2a में एक सिंगल लिख सकता हूँ, ये भी एक थ्योरम से एग्जाम में पूछे नहीं जाते इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, आप देखोगे एक थ्योरम बोल सकते हैं या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। चलो कंबाइन किया नाउ आंसर, ऐसा हमने एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट थ्योरम लेते हैं हम लोग।